दोस्तों कि आपको भी लगता है कि बीसीसीआई ने काफी बड़ी गलती कर दी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड को अनाउंस करने के बाद। अब ये सवाल सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये सवाल पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस का है कि क्या इस स्क्वाड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप को जीत पाएगी। दरअसल हमने 2022 और 2021 वाले वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी देखा कि वहां पे काफी सारे बेहतरीन खिलाड़ी थे, फिर भी हमने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा पाया। अब इसके पीछे क्या वजह रही होगी आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि बीसीसीआई का काम है टीम को सिलेक्ट करना, और किस तरह के खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है ये सिर्फ बीसीसीआई को ही पता होगा, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है। इसलिए सारे सवाल बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी पे ही खड़े होते हैं, और इस बार भी बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी पे ही सवाल खड़े होंगे कि क्या इस स्क्वाड के साथ टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को घर लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अब पूर्व क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कूदने लगे हैं। दरअसल बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में कुछ नाम ऐसे रखे जो कि फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग रहे, जिनमें से सबसे बड़ा नाम रहा जो वो रहा हार्दिक पांड्या का। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या का, क्योंकि हार्दिक पांड्या को इस बार टी20 वर्ल्ड कप की टीम में एज अ प्लेयर नहीं एज अ वाइस कैप्टन शामिल किया गया है। वहीं क्रिकेट के एक्सपर्ट यानी कि इरफान पठान का मानना है कि बीसीसीआई ने यह सबसे बड़ी गलती करी कि हार्दिक पांड्या को एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया। उनका मानना है कि अगर बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करना चाहती ही थी तो उनको एज अ प्लेयर टीम में शामिल कर सकती थी, बट एज अ वाइस कैप्टन उनको क्यों शामिल किया, क्योंकि अगर उनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो उनका जगह तो प्लेइंग 11 में बनता ही नहीं है, फिर भी उनको वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी गई है। और सही बात है कि अगर उनका टी20 वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस देखे आईपीएल 2024 में तो बेहद ही खराब रहा है, ना ही वो गेंदबाजी से अच्छी गेंदबाजी करी है, ना ही बल्लेबाजी में उनकी बल्लेबाजी शानदार देखने को मिली, और ना ही कप्तानी में उन्होंने कुछ ढंग की कप्तानी करी हो, जिसके कारण मुंबई इंडियंस की हालात आईपीएल 2024 में बेहद ही शर्मनाक रही है। आरसीबी और मुंबई का हाल लगभग सेम हो चुका है, इसके बावजूद भी बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इस पर इरफान पठान का मानना है कि बीसीसीआई के द्वारा यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके टीम में जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से ही शामिल है जो कि वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं, और हार्दिक पांड्या का रहा बात तो 12 महीने में 9 महीने टीम से बाहर रहते हैं और जो 3 महीने अंदर रहते हैं उसमें भी मात्र वो 3 से 4 मैचेस खेलते हैं, तो क्या इस तरह के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। और दूसरे हैंड में हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं जो कि हर वक्त टीम के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट हो टी20 हो या फिर वनडे के मैचेस ही क्यों ना हो या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट ही क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, तो क्यों ना हार्दिक पांड्या की जगह पे जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऊपर से हार्दिक पांड्या को जब डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलने को कहा जाता है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, बावजूद इसके बीसीसीआई ने उनको वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंप दी, ये तो मेरे समझ से परे है। वही अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस के आगे हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस 0 है। अब आप समझ लीजिए कि बीसीसीआई ने किस तरह की ब्लंडर मिस्टेक करी है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने जिस तरह की गलती करी है उससे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार हमें बीसीसीआई ने काफी सारे इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजों को या फिर क्या तो प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है जहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, और वहां पे अगर हार्दिक पांड्या लीड रोल में रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का माहौल भारतीय क्रिकेट टीम पर बनेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक राहत की खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान नहीं बना दिया गया, और हमारे पास कप्तान के रूप में एक बार फिर से रोहित शर्मा ही अवेलेबल हैं, जो कि अपने प्लेयर्स को काफी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, ये हमने पहले भी देखा है। इरफान पठान का ये भी मानना है कि जहां रोहित शर्मा फीके नजर आएंगे वहां पे उनकी सहायता विराट कोहली करते हुए नजर आएंगे, बट अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे या फिर वाइस कैप्टनशिप करेंगे तो वहां पे विराट कोहली अपने काम को छोड़ देंगे और वो नहीं चाहेंगे कि इस मामले में इंटरफेयर करा जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि हार्दिक पांड्या का नेचर कैसा है, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम में फूट भी पैदा हो सकती है, जिस तरह से एमआई के बैच में हमें देखने को मिली है। उनका मानना है कि एमआई की टीम पूरी तरह से बिखर गई है इस बार के सीजन में, क्योंकि टीम जो है वो दो भागों में बढ़ चुकी है, एक जो रोहित शर्मा के फेवर में है और एक जो हार्दिक पांड्या के फेवर में है। शायद इसी की वजह से आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बेहद ही बेकार रही है, और शायद इसका इफेक्ट हमें टी20 वर्ल्ड कप वाली टीम में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हार्दिक पांड्या के भी सपोर्ट में जा सकते हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रोहित शर्मा के सपोर्ट में जा सकते हैं। शायद इसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप को हार भी सकती है, ये कहना है इरफान पठान का। वहीं अगर फैक्ट वाइज देखा जाए तो इरफान पठान ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप के लिए काफी ऐसे ऑप्शन थे जिनको वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, बट हार्दिक पांड्या को क्यों दिया गया। वहीं हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस इस समय बेहद ही बेकार चल रहा है, तो शायद उनका प्लेस प्लेइंग 11 में ना भी बने, इसलिए हमें वाइस कैप्टनसी के रूप में उस खिलाड़ी को देखना चाहिए था जो कि प्लेइंग 11 में रेगुलर रहे, और उसमें जो हमें सबसे पहला नाम देखने को मिल रहा है वो है जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव का,
दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी देकर सबसे बड़ी गलती करी है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने घर ला पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर